आपके शहर का नाम और आपके देश का नाम यूं ही रोशन करें और आपका आशीर्वाद हम सब पे यूं ही बना रहे, जितने भी यहाँ पर एल्डर्स बैठे हुए हैं और जितने शायद यहाँ पे यंग जनरेशन बैठी हुई है, साथ से जो अभी आप थी जो क्रिकेट कोच है, एक वो बेटी थी जो क्रिकेट टीम में है और जो यहाँ पे दो तीन बच्चे थे जो हॉर्स राइडिंग में है, मैं स्पेशली आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि आप सब लोग बहुत लकी हैं कि आपके पेरेंट्स ने आपको ये मौका दिया कि आप सब लोग अपने फील्ड में कुछ कर पाए। तो यू शुड बी थैंकफुल फॉर योर पेरेंट्स, योर एल्डर्स, योर टीचर्स एंड योर कोच कि आप सबके संग आज पूरी टीम है और बी अचीवर सोसाइटी जो आपको एक रिकग्निशन दे रही है। शायद जिस लोगों को ये मुकाम हासिल नहीं होता उनको लगता है यार ये तो किस्मत से बन गए होंगे, ऐसा नहीं है। मैं अपनी फैमिली का ही एग्जाम्पल लेता हूँ, जितने भी लोग यहाँ पर पढ़े बैठे हैं जो अचीव कर चुके हैं उनको पता है उनको अचीव करने में कितने हर्डल्स लाइफ में आए होंगे। लोगों को हर्डल्स नहीं दिखते, लोगों को सिर्फ ये दिखता है कि वो वहां पहुंच गए और उसको बहुत सिंगल सफर में नाम देते थे, यार उनकी तो किस्मत अच्छी है और वो अपने किस्मत की वजह से यहाँ पहुंच गए। पर उस किस्मत को करने के लिए उनके कितने एफर्ट्स, उनकी फैमिली के एफर्ट्स, उनके कोच के एफर्ट, वो किसी को दिखाई नहीं देते। तो मैं पुनः सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस तरीके के प्रोग्राम करके आपने उनको रिकग्निशन दी और आगे भी अच्छा लगेगा कोई स्टूडेंट्स अलीगढ़ का नाम, जैसे आज हमारे का क्रिकेट की बात करें हम रिंकू सिंह आज आगे बढ़ चुके हैं, बहुत से ऐसे नाम होंगे जो अपने अपनी पूरी मेहनत के साथ अपने अपने फील्ड में कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं अपनी फैमिली का ही देता हूँ, उस बात पे लेके लोगों को किस्मत दिखती है। मेरे फादर 10th फेल थे और दो बार ट्राई किया, दोनों बार 10th फेल हुए। 79 में उन्होंने कास्टिंग से काम शुरू किया और आप यकीन नहीं मान सकते, शायद अपनी अच्छी सोच और एक अच्छी कोशिश, ईमानदार कोशिश से आप अपने लक्ष्य को पूरा करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। उस टाइम पे जब आप इंग्लिश नहीं बोल सकते उस टाइम पे आपने एक्सपोर्ट शुरू किया और आप सबके आशीर्वाद से, आपके सबके साथ से आज इंडिया में सब में अच्छे एक्सपोर्टर में हमारी पापा का नाम है। तो मैं ये एग्जाम्पल इसलिए नहीं कहता कि मैं उस फैमिली से हूं, मैं इंस्पिरेशन कह रहा हूं इस चीज को लेके, खासतौर से जितनी युवा टीम साथ ही बैठे हुए हैं, अगर आपके मन में कुछ करने की लगन है, टारगेट क्लियर है, तो कोई भी हर्डल्स आपको कहीं नहीं रोक सकते। नो डाउट हर्डल्स आएंगे, परेशानियां आएंगी, लोग बहुत आपके लिए नेगेटिव कहेंगे, पर नेगेटिव को पॉजिटिव करना ही तो आप सब लोगों से सीखा है हमने। तो हर चीज को नेगेटिव को हमें पॉजिटिव में बदलना है, आगे बढ़ना है और अपने देश का, अपने परिवार का नाम रोशन करना है। इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे आज यहाँ पे बुलाकर, मेरा माज इट्स अ प्लेजर फॉर मी टू बी अमंग ऑल दी डिग्निटरी जो आप अपने 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 फील्ड में दे हैव देयर स्टार आई कैन से। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपकी पूरी टीम को एंड आपके साथ आपका भाई जिस लाइक भी है 24 घंटे आपके संग हमेशा भाई की तरह खड़े रहेंगे और जो हो सकेगा आपके संग मदद करेंगे। और स्पोर्ट्स के लिए तो भैया मेरा तो एबी में एडमिशन ही स्पोर्ट्स कैटेगरी से हुआ था। वी नो लोग के स्पोर्ट्स को थोड़ा अदर रखते हैं पर वी लव स्पोर्ट्स। आज के इस कॉम्पिटेटिव भरी लाइफ में पढ़ाई भी जरूरी है, स्पोर्ट्स भी जरूरी है और सब एक्टिविटी जरूरी है, क्योंकि आज आपको वर्ल्ड फेस कर रहे हो आप और यू हैव टू बी ऑलराउंडर इन ऑल द फेसेस। तो मैं सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ आप सबको। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। मेयर साहब आपने फिर मार की बात की और आपने पूरा सपोर्ट देने की बात कही, तो मैं अपनी ख्वाहिश भी जाहिर कर दूं कि हम बहुत जल्द एक ऐसे सेंटर की तलाश में हैं जहां पर हम कम से कम 100 ऐसे बच्चों को जो शिक्षा से वंचित हैं, मैं प्रैक्टिकली चला रहा हूं सेंटर, लेकिन उसकी क्या स्थितियां हैं उस पर आपसे सब डिस्कस होगा। थैंक यू सो मच।